कौन सा पहनूं मम्मा, एंजल या वो बटरफ्लाई? एक चेरी है मेरे पास, ये दो है। खुद को समझ नहीं आता कभी कभार इंसान को। ये रोज है क्या? एक सेकेंड, हाँ रोज है। और ये एक चेरी है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं ये वाला पहनूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल, गुड इवनिंग फ्रेंड। तो अभी शाम का समय है, और शाम मतलब नहीं बोलेंगे इसे, आफ्टरनून बोलेंगे, क्योंकि अभी बज रहे हैं 3। और जैसा कि सैमू ने दिखाया भी है आपको घड़ी, तो अभी हम सभी निकल रहे हैं घर से, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही घर के काम की ही एक मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैं देखने जा रही हूँ। क्या देखने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, सभी बातें होंगी रास्ते में। तो पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर से, और अभी गर्मी भी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी हम सभी निकल रहे हैं। और आज है छुट्टी का दिन, बच्चे हैं घर में, तो हमने सोचा कि चलो टाइम से ही निकल लेते हैं, क्योंकि आज बच्चों का कुछ प्लान है मूवी भी देखने का भी। तो हमने सोचा कि चलो एक साथ ही बहुत सारे काम है कर लेंगे, इसलिए 3 बजे ही मतलब यहाँ से निकलने का हो रहा है कि चलो फटाफट 3 बजे ही निकलते हैं, तो कहीं जा कर के रात के 10 बजे तक हम सारा कुछ करके आएंगे। तो वही हो रहा है। और आज एक और गुड न्यूज़ आप लोगों को देनी है, जो कि हम रास्ते में ही बात करने वाले हैं आप लोगों से, तो आप लोगों की वजह से ही हुई है। और बहुत खुश हैं हम सभी कि आज हमने आप लोगों के कारण कुछ एक मतलब कुछ अचीव किया है। क्या किया है वो भी पता चल जाएगा आपको, तो चेहरे की मेरी खुशी ही देख करके आपको पता चल गया होगा कि हम सभी कितने खुश हैं। और उसके साथ साथ मुझे अपने घर के लिए कुछ सामान देखने हैं, तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और बच्चे खुश हैं क्योंकि आज उनको मूवी देखनी है, तो हम सभी आज मूवी देखने वाले हैं, तो वो भी बच्चों को ज़्यादा मतलब उन्हें ज़्यादा खुशी हो रही है कि काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि हमें जवान मूवी देखनी है शाहरुख खान की। तो हमने सोचा चलो एक साथ ही सारे काम कर लेंगे, क्योंकि बार बार निकलना हो नहीं पाता है, बच्चों की छुट्टियाँ भी नहीं रहती है, कम रहती है, साहब की भी छुट्टी नहीं रहती है, इनकी भी बस है सैटरडे संडे में ही छुट्टी आती है। तो चलो हमने सोचा कि चलो वो लेकर जाकर के नहीं बेटा, वो बाहर से लोग थैंक यू बोल दो पहले 1K सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू 1K सब्सक्राइबर, मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग करना फिर मतलब एक ब्लॉग की वीडियो जो आती है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, बहुत सारे रहते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत के बाद बस सपोर्ट होना चाहिए और जल्दी 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 बस फैमिली बड़ी होती जानी चाहिए। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, और जल्दी जल्दी मतलब 1K से 100K का सफर हम भी पूरा कर ले। वो सपोर्ट रहेगा तभी पूरा होगा, लेकिन हाँ 1K का जो सफर था हमारा बहुत लंबा हो गया था, और हमने बहुत मेहनत की इसके पीछे, बहुत ज्यादा सपोर्ट के कारण हो तो गया। मेरे एक एक सब्सक्राइबर जो है ना मेरे लिए बहुत बहुत अनमोल है, बहुत मुश्किल से एक एक सब्सक्राइबर आते हैं। और तो आप सभी जितने भी फ्रेंड देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आप सब हमारे लिए बहुत ही मतलब अहम है हमारे लिए। तो बस जैसे ही 1K बड़ी हो रही है आगे का सफर हम लोग ऐसे ही कम्प्लीट करते चलते हैं। Thank you.
तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं तापरिया सिटी सेंटर TCC मॉल, और यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम सभी जाएंगे। और आज जो है वो रिलायंस मार्ट में हम जाने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं देखने के लिए। तो हमें वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ अरुल को देखिए माइक वगैरह लेकर के ये सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है। और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम दिख जाए अरुल को ना, रुक के वहाँ पे वो ज़रूर उस चीज़ को देखेगा, और मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। पता नहीं क्यों, मुझे कभी कभी मॉल वॉल में जाने के बाद ना ये और ज़्यादा बहुत सारे वैरायटी दिखती है ना, तो लैपटॉप वगैरह अगर मोबाइल लैपटॉप कुछ भी दिख जाए, आप आगे आगे जा रहे हो पता चलेगा पीछे कहीं रुक करके कहीं कुछ भी सामान दिख रहा है, फिर रुक करके ध्यान देना पड़ता है गया कहाँ। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं वॉशिंग मशीन देखने के लिए, और फ्रिज भी देखना है। मेरा वॉशिंग मशीन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो 8 साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया है, तो अभी लग रहा है कि अब वॉशिंग मशीन देखना पड़ेगा दूसरा। तो जस्ट अभी नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद हमें चेंज करना है। तो आज हम लोग आ गए थे कि चलो इस पर थोड़ा टाइम है, टाइम लेकर जाते हैं, थोड़ा देखते हैं कंपनी और क्या अभी नया क्या टेक्नोलॉजी आई है, तो वही सब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ रेट वगैरह भी आप देख सकते हैं, 54 है, 79 है, और ये जो दिखा रहे हैं ना अभी वॉशिंग मशीन, तो मैं इनकी बातें भी आपको सुनाऊंगी। तो ये लोग जो है ना, ये मतलब ये जो बता रहे हैं ना इसमें कि वॉशिंग मशीन में ना ड्रायर के साथ इंक्लूड होकर के आ रही है, जैसे बहुत जगह पे ड्रायर अलग और मशीन अलग होती है। हम अभी जो मेरे पास फ्रंट लोडिंग मशीन है तो उसमें भी ड्रायर है, लेकिन ये यहाँ पे ड्रायर की जो पावर है ना बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से कि ये वो ये बताने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पे कि कौन सी आपको वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। अब हम सभी आ गए यहाँ पे फ्रिज देखने के लिए, और फ्रिज में यहाँ पे ये डबल डोर फ्रिज है, तो बहुत मतलब ये भी हमारा लेने का एक टारगेट है। तो पहले चलिए इस पे देखते हैं, सर्वे करते हैं, रेट देखते हैं। ये किसका है, LG का है क्या ये? हाँ? वो LG का है क्या? ये अलग अलग डोर खुलते हैं क्या? इसके 4 डोर है, रात में अपन लाइट नहीं लगाते, इधर अगर अपने कुछ चीजें है तो अपन नापना करेंगे तो लाइट ऑन होगा, ताकि अपन इतना ही खोल के अपना एनर्जी जो कंजम्पशन है वो बचा सकते। अच्छा, बाकी फूल है, बाकी फूल इस कंपार्टमेंट जो है ये इतना दिया हुआ है, लेकिन ये कन्वर्टेबल नहीं आएगा। ये फ्रीज है, ये फ्रीज का सेक्शन है, अगर आप बहुत जैसे यहाँ पे नॉन वेज रख रहे हो और यहाँ पे वेज रख रहे हो तो दोनों जो स्मेल है वो मिक्सअप नहीं होता। अच्छा, और फ्रोजन फोटोग्राफी से जैसे सालभरी अगर आप फ्रोजन प्रोडक्ट रख रहे हैं तो अच्छा, ये पैटेंटेड है, प्रीमियम मॉडल है, ग्लास फिनिश में आ रहे हैं, और ये ना स्क्रैच ओके, आपका इंटीरियर डेकोरेशन कैसा भी हो मैच करेगा, यानी ये 100% कन्वर्टेबल है। इसमें जो है ना प्लस पॉइंट सर, ये मैचिंग होंगे और मैचिंग के लिए, जैसे ये हाथ पे अगर गर्म चीज़ रख गए और यहाँ पे नॉर्मल है तो ये कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगी, तो इस पर सेंसर है, तो फास्ट कूलिंग देती है। हर एक कंपार्टमेंट में आपको अलग अलग टेम्परेचर दिया हुआ है। इसमें आइस ऑटोमेटिक बनेगा या डाल? ओके, यहाँ पे पानी फिलअप करने से और डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, तो आइस क्यूब, आइस क्रश और वाटर आपको यही ले लेते हैं बेटा, वो सिर्फ साइज देखने दो, अगर पसंद आ गया तो ले लेंगे बेटा। इसके कारण ये बॉडी छोटा हुआ है। ओके, इसके कारण ये कंपार्टमेंट छोटा है। अपने को स्पेस ज़्यादा चाहिए बेटा, जैसे हायर में फंक्शन है ना, इसमें कुछ है नहीं, ओके। अच्छा, बच्चे हैं, दबाने की सेंसर खराब हो गया, पूरा खराब मेरा नहीं, आप मुझे सिर्फ एक केक दीजिए, मैं थोड़ा सा प्राइस अगर पसंद आ गया ना बेटा तो उठा देते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड आप एक फ्रिज देख रहे हैं ना, ये 108,000 मतलब 9,000 की है, और इसमें है कि पानी की जो फिल्टर लगी होती है वो भी है, तो इन्होंने कहा कि ये कोई काम का नहीं है, आगे चल के खराब हो जाता है, तो पहले ही फिल्टर भी है। ये जो सेक्शन है ना पूरा फिल्टर,
है। हाँ, ये जो है फ्रीजर फ्रीज है ठीक है, और ये फ्रीजर और अब इसको भी फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थ्री डोर फ्रीज है और एक डोर फ्रीज है। जैसे पूरा फ्रीजर होता है ना, हाँ ये फ्रीज कर दिया, यहाँ पर लिक्विड रखेंगे फिर तो लिक्विड में फ्रीज में। फ्रीज जो होता है अपना टेम्परेचर प्लस में चलता है, ऑफ रह सकता है, ये ऑन रहता है। ये ऑफ कर दो, एक दो ज्यादा कम नहीं, टमाटो कुछ मीठा पड़ सेकंड ईयर में अगर ज्यादा सेंसर चला गया या टमाटो बोलिए खराब हो गया तो पेड करना पड़ेगा आपको, इसमें नहीं करना पड़ेगा। और इसमें अपन इंश्योरेंस भी निकाल सकते, जैसे रिलायंस के जो परसेंट देख सकते ये इसमें बॉक्स बॉक्स मतलब ये पूरा फ्रिज हो गया। यहाँ पर 31 इंच मतलब 32-33 इंच पकड़ चलो ना, टोटल स्पेस होना चाहिए, साइड से 1 इंच छोड़ना भी पड़ता है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमने इंची टेप से नाप करके देखा है, क्योंकि हमारे जहाँ पे फ्रिज की जगह बनी हुई है ना, तो वहाँ पे हमें देखना होगा कि आएंगी कि नहीं। और हमारे पास जो फ्रिज है वो भी एकदम अच्छी है, नई है, अभी 4 साल पहले की, 4-5 साल पहले की है। तो हमने सोचा कि अगर ऐसा ही होगा, मूड बनेगा तो एक्सचेंज कर लेंगे। हमारी डबल डोर है, आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉग में। तो और यहाँ पर हमारे दो डोर खुलेंगे ऐसे हमें मतलब पसंद है। और मेरा बड़ा मन था लेने का, मेरे हस्बैंड भी मुझे दिलाने को रेडी थे, बट रेट वगैरह भी इसकी है कि ठीक है ईएमआई पे ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भी सामान ईएमआई पे ही लेती हूँ। एक बार में कौन देगा इतना पैसा, मतलब कहाँ से, मतलब कोई भी नहीं। एक नॉर्मल फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बस की बात नहीं होती, इसलिए हम लोगों के लिए ईएमआई होती है कि हम लोग ईएमआई पे कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही करके बहुत सारे सामान परचेज कर लेती हूँ और ईएमआई धीरे धीरे करके दे देती इसकी। और उसके साथ साथ मुझे ना यहाँ पर एक ये भी लेने हैं, मतलब ओवन लेने, माइक्रोवेव तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे एक ओवन लेने हैं। तो वो भी मैं यहाँ पे देख रही थी और आज मैंने समय निकाल के ही हम लोग यहाँ आए थे कि मतलब ये सब चीज़ें देख लेंगे। तो काफ़ी अच्छी है, रेट भी सही है, तो बस हमें साइज़ और लीटर के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो हमने ये सब चीज़ देख लिया है, अभी जस्ट लेना नहीं है, बट हाँ देखा हमने। तो ये रिलायंस डिजिटल में हम लोग आ गए थे, अब हम सभी जा रहे हैं ऊपर मूवी देखने के लिए। और कुछ बच्चों को अगर कुछ पसंद आया तो बच्चे खा लेंगे, बट मुझे नहीं लगता है यहाँ कुछ आज बच्चों को पसंद आने का है। तो और मूवी के लिए भी हम लोग लेट हो रहे थे, तो फटाफट हम लोग मूवी देखने के लिए चले गए। और मूवी देखने जाइए तो बच्चों को पॉपकॉर्न और समोसा और पफ वगैरह, बच्चे इतना कॉर्न वगैरह इतना खा चुके होते हैं ना कि इनकी पेट वैसे ही फुल हो जाती है वहीं पर। तो हम सभी यहाँ आ चुके हैं मूवी देखने के लिए। मूवी हमने देखी है जवान मूवी शाहरुख खान की, जो कि अब मुझे लग रहा है कि जस्ट ही अब कुछ दिनों के बाद उतर जाएगी वो मूवी, इसलिए हमने सोचा कि चलो जल्दी देख लेते हैं। मूवी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बहुत अच्छी। और कुछ मतलब देश के कुछ ऐसे मुद्दों को उठाया गया था जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मुद्दे पर भी मूवी बनाई जा सकती है। तो बनाया है उन्होंने, बहुत ही अच्छे से मूवी मतलब बनाई है, तो काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो फ्रेंड आप लोग भी अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर मेरी ये ब्लॉग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको अगर फ्रिज को लेकर के या फिर वॉशिंग मशीन को लेकर, उसके लीटर को लेकर के, अगर उसकी रेट या उसके बारे में अगर कुछ आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि हमने एक बार सर्वे किया है, बहुत सारे रेट हमने पता किया, बट एक ही ब्लॉग में सारे कुछ को आपके साथ में बताना मुश्किल है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही उनके वॉइस आपको सुना दी है कि उन्होंने क्या बताया है। लेकिन अगर आपको मुझसे या मेरे हस्बैंड से अगर ये सब इसके बारे में, किसी भी मतलब वॉशिंग मशीन हो या फिर फ्रिज हो, इसके बारे में कुछ भी जानना हो इसके कंपनी या उसके रेट के बारे में, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी या उसके बारे में डिटेल आपको जानकारी दूँगी। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।